आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। काम को लेकर लोग विदेश जाते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने वतन वापस नहीं लौट पाते। लेकिन एक हम आपको एक ऐसी आप तस्वीर दिखाते हैं कि जो लोग फ्रांस में जो जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडी है वो तो नहीं आ पाती, लेकिन उनके जो अस्थियां हैं वो ज़रूर उनके घर तक जो है वो पहुंचा दी जाती है। और इसके पीछे कई साल से काम कर रहे इकबाल सिंह भट्टी, ये भारतीय NRI हैं जो फ्रांस में रहते हैं और कब से रह रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आप कब से फ्रांस के अंदर रह रहे हो? मैं 1991 तो लगातार ही जिहड़ा फ्रांस रहा, 32 साल तो फ्रांस में रह रहा। और ये जिहड़ा अस्थियां लिआउण दा काम है, ये भी कोई मैं 10 साल का शुरू किया है। लेकिन इंडियन की डेड बॉडी नू इंडिया भेजने वास्ते या उत्थे संस्कार करने वास्ते जिहड़ा मैं काम करता सी, वह मैं 2005 तो कर रहा। लेकिन 10 साल पिछले 10 साल तो मैं अस्थियों का भी जिहड़ा इत्थे भारत उन्होंने परिवारों तक पहुँचाने का जिहड़ा मैं सिलसिला शुरू किया होया है। और मैनू बड़ी अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होंदी है कि मैं किसी भारतीय दे जिहड़ा ये काम आना आ, खास करके उन्हां मावां प्यों दे जो कि अपने पुत्रां दा मरे हुए दा मूँह नहीं देख सकते। मैं उन्होंने उन्होंने मरे हुए बच्चों का मूँह दिखाने का काम जां उन्होंने फुल इत्थे लिया के उन्होंने हत्थी जल परवार करन दे काम करके जो मैं खुशी महसूस होंदी है। मैं सोचदा कि ये जिहड़ी सेवा मैनू उपर वाले परमात्मा ने बख्शी एक बहुत वड्डी सेवा है कि मरियां दे मूँह उन्होंने मापियां नू दिखाना। तो मैनू अंदरूनी खुशी भी होंदी है कि मैं एक पंजाबी हाँ, तो पंजाबी होने मैनू माण आ कि मैं लोगों के जिहड़ा काम आ रहा। आप परिवार के साथ वहाँ पर रहते हैं? मैं पूरे परिवार के साथ रहना, मेरे बच्चे जिहड़े सारे दा जिहड़ा शादी हो चुकी है, दो मेरी बेटियां ने जिहड़ियां उत्थे वेल सेटल्ड रह। लेकिन आपने बताया कि 2005 से आप ये काम कर रहे हैं, जब 2005 में ये काम आपने लोगों की जो अस्थियां उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि लोग काम काज के लिए विदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन क्या दिमाग में आया था आपके उस समय? देखो, दिमाग में तो यही आया था कि एक दफ़ा एक लड़का जनवरी 2003 दे विच लापता हो गया सी, उहदा किसी नूं पता नहीं सी लगदा। ते उहदे नाल उहदे मापिआं ने मेरे नाल किसी तरीके कॉन्टैक्ट किया भी साडा लड़का इदां नहीं मिल रहा, उहदे विच कोई मेरी मदद करो। तो उहदे विच मैं उहदी मदद की, उहदी डेड बॉडी 800 किलोमीटर दूरों पैरिस तो जाके मैं उहदी लभी अपने लिंक दे नाल। उस तो बाद जदों भी किसी की कोई गलबात इहो जिही हो जांदी सी तो उन्होंने मेरे नाल हौली हौली कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिता। 2 साल पहला मैं इस तरह करता रहा, फिर 2005 दे विच मैं NGO बना ली, तो NGO बना के मैं जिहड़ा लगातार जिहड़ा काम कर रहा। तो क्या भारतीय सरकार की हेल्प मिलती है, किस तरीके से आप जो है ये जो अस्थियां हैं ये लेकर यहाँ पर आते हैं और उनके परिवारों से किस तरीके से संपर्क करते हैं? देखो जी, मैं तुहानू पहला भी दस चुका कि जदों किसी की डैथ हो जाती है वो जे तो पुलिस सानू उहदा रिकॉर्ड दे दे भी यह बंदा मरिया, इहदी जेब दे विचों इह पेपर मिलिया, फिर तो सानू थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन बाद च असीं इह कोशिश करी दी है कि जिथे वह बंदा रहिंदा हुंदा आ उस बंदे दे कमरियां च जाके उहदे नाल दे मुंडियां नू उहदा असीं पुछीदा है भी कित्थों दा बंदा सी, की है। फिर किसी ना किसी तरीके असीं उहदे मापिआं तक पहुँच कर लैंदे आ, पहुँच करके फिर असीं उहनां नू पुछदे आ। ते इह जिहड़ा वेरवा मैं तुहानू दिखाउणा इह 2021 दा आ, 2021 च जिन्ने बंदे साढ़े उत्थे फ्रांस मरे मरे तो ज़्यादा आ, लेकिन जिन्हों का क्रियाक्रम असीं खुद किया ये उन्हां दी लिस्ट है। ये ज़्यादातर केस होने जिस इंडियन एम्बैसी ने डेड बॉडी भेजन दे साड़ी मदद जिहड़ी कीती है। कोरोना नाल मरे बंदियां दा भी वेरवा आ, कोई हार्ट अटैक नाल मरे ने, कोई ज़्यादा शराब पीन करके मरे ने। और ये एजेंसी जिस एजेंसी के राही असीं जिहड़े इंडिया बंदे भेजे ने और उहदी जन्म तरीक की है, उहदी मरण की तरीक की है, उहदी डेड बॉडी भेजन की तरीक की है, उहदा संस्कार करन दी तरीक की है, सारा कुछ वेरवा सी। ये पहली बारी जिहड़ा असीं इकट्ठा किया, अगे असीं जिहड़ा नोट तां करीदा लेकिन कदी लिस्ट नहीं सी बनाई। लेकिन असीं इस साल 2021 दे विच पूरी लिस्ट भी जिहड़ी है वह बनाई है। तो हुण तक 257 बंदियां दे असीं 2005 तो लैके उहनां दीआं जां डेड बॉडियां भेजियां ने जां उहनां दे उत्थे संस्कार कीते आ। दिक्कतें भी होती हैं? दिक्कत होती है जदों साडे कोल फंड नहीं हुंदे जां सानूं उहदे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुंदी, तो उदों दिक्कत सानूं जिहड़ी बहुत ज़्यादा आउंदी है। तो उत्थे असीं हमेशा ही अपील भी करदे आ यारां दोस्तां नूं मित्रां नूं भी जदों भी किसी की कोई डैथ हुंदी है वो जरूर साडे नाल इमीजिएटली जिहड़ा कनैक्ट करे।
क्योंकि जी फ्रांस पुलिस है वह 24 घंटे के जे कोई वारस ना मिले तो उन्होंने जी अणपछात्या करार करके वो मुर्दा कर जी सुट दें फिर वो आइडेंटिफिकेशन करनी साढ़े वास्ते बहुत औखी हो जाती है। अच्छा कोई कभी ऐसे भी होता है कि आप अस्थियाँ लेकर आ रहे हो और उसके बाद परिवार के आप परिवार में को जो अस्थियां हैं उनको लेने के लेकर कोई दिमाग में माले किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले कहेंगे कि इनकी अस्थियां मेरे को चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ होता है, एक ताज़ा केस रात को ही हुआ है, दिल्ली का केस था। मेरे से वो लेडीज जी उसकी घर वाली थी वो फूल ले गया, अभी उसका परिवार आया था कहता है वो फूल हमें चाहिए, मैंने तो आपकी बहू को दे दिया। ऐसे केस भी होते हैं लेकिन ये बताने की बात नहीं होती क्योंकि कई परिवार के मसले ऐसे होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, जो उसको कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है, तो ये तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन हम जो काम करते हैं हम तो ये करते हैं कि कोई भी परिवार का हमारे पास आए वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे भी ये हमारा लड़का था या लड़की थी या हमारा ये बाप था, तो हम जो भी आता हम उसको फूल जड़ी आइडेंटिफिकेशन दे के दे देते हैं। और कोई वाक्य याद हो आपके जहन में कि कभी कोई? देखो जी अभी तक 257 केस हुए, सारे जो है ना भुलण वाले नहीं है क्योंकि साढ़े को जिहड़ियां डेड बॉडियां ने कोई गली चो मिलती है, कोई किधरों मिलती है, कोई दरिया चो मिलती है, कोई नहर चो मिलती है। एक दिल्ली का केस है 3.5 साल का लटक रहा, उहदे विच उस दोषी नूं मैं जी 20 साल की सज़ा जी वो करवाई है। उस लड़के का कतल जिहड़ा किसी बंदे ने हरियाणे दे ने कीता सी, उसकी उस लड़की दे नाल कोई उहदा कोई प्यार व्यार का कोई चक्कर सी तो उन्हें उस लड़के का कतल करता। ये जिहड़ा केस आ जिहड़ा बहुत वड्डा केस है साडी संस्था ने जिहड़ा हल किया है और 20 साल की सज़ा उत्थे अदालत च गवाही दे के मैं उस बंदे नूं जिहड़ी सज़ा करवाई है। तो सानू सोचना चाहिए कि जदों असीं बाहर जाने सानू उत्थों दे जाके कल्चर दे विच रहना चाहिए, उत्थे इंडियन वाला नहीं है भी जे कोई इहो जी गल है तो असीं किसे लड़के का लड़की का जिहड़ा कतल कर दईए बिना वजह तो, क्योंकि हुण मॉडर्न जमाना आ तो बच्चों नूं जिहड़ा हक होना चाहिए कि वह अपना जीवन साथी आप चुन, ये नहीं कि जेकर बच्ची ने कोई जीवन साथी चुने तो असं उस लड़के का कतल कर दिए। ये जो एक केस बहुत वड्डी ट्रैजेडी है मेरी जिंदगी। सिख होने का मान होता है क्योंकि लगातार कहीं भी कोई आपदा आ जाए वहाँ सिख जो है सबसे पहले पहुँचते हैं। बिल्कुल जी, सिख होने तो माण है ही है क्योंकि आ जो केस ने जो कि डैथ होंगी सब तो पहला जो असं पहुँचते हैं तो सारे लोग सोचते हैं भी पंजाबी उत्थे पहुँचे ने। हुण यूक्रेन दे विच जिहड़ी कोई इस वेले आपदा आई हुई है उत्थे भी खालसा एड वाले जिहड़े उत्थे पहुँचे ने, जदों इत्थे करोना काल सी उदों दिल्ली कमेटी सब तो अगे हो के लंगर लाए सी, उन्होंने सारे लोगों की मदद की सी, ऑक्सीजन पहुँचाई सी। तो जदों असीं इहो जिहे केस सुणदे आ तो उदों अपने आप ते माण हुंदा कि असीं पंजाबी आ ते असीं लोकां दे जिहड़े काम आ रहे आ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपनों को उन तक पहुँचाने के लिए ये जो संस्था है ये काम कर रही है और इनको सिख होने का मान भी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।